अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका। मैं आपकी उर्दू टीचर नाही दस्कर। मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर्स के डिजिटल एकेडमिक प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुश आमदीद। आज हम फ्लायर में जो पढ़ने वाले हैं वो आप सबको पता है, वो क्या है कि आज हमने हरूफ बनाने हैं। पहले हमने सिर्फ 3 हरूफ से अल्फाज बनाए थे, आज हम 4 हरूफ से अल्फाज बनाएंगे। और कौन कौन से हरूफ हैं हमारे पास जिनके साथ हम अल्फाज बनाएंगे। सा शा सात जा इनके साथ आपने कोई से 3 हरूफ और जोड़ेंगे तो ये 4 हरूफ के साथ हमारे अल्फाज बनेंगे। और जाहिर है कि 4 हरूफ है हमारे पास तो हमारा लफ्ज़ जो होगा वो ज़्यादा बामानी होगा, ज़्यादा आपको ऐसा नज़र आएगा जो आपने पहले भी सुना होगा। जैसे कि सीन अलिफ नून पे क्या बन गया, सांप। अच्छा, और भी कोई मशक करते हैं, जैसे कि सीन अलिफ दाल हे, 4 हरूफ हैं, जोड़ बना के इसको लिखें और पढ़ें। सीन अलिफ सा दाल हे दा सादा, सीन अलिफ सा रे अलिफ रा सारा। हमने 4 हरूफ के साथ अल्फाज बनाए। इसी तरह हम आपने शीन के साथ बनानी है, शीन अलिफ शा हे छोटी ये ही, इसको इकट्ठा करके लिख लें ताकि ये सही लफ्ज़ लिखा हुआ नजर आए। हे को छोटी ये के साथ मिला दें, शीन अलिफ को शाह के साथ मिला दें, शीन अलिफ शाह है छोटी ये ही शाही। और शीन अलिफ शाह फे छोटी ये फी शाफी, शीन अलिफ काफ रे क्या बन जाएगा, शीन अलिफ शाह काफ रे कर शाकिर। स्वाद के साथ भी इसी तरह से हम बनाएंगे, दो दो हर्फ को जोड़ देंगे, स्वाद अलिफ सा और बेनून बन साबन, स्वाद अलिफ बे नून 4 हरूफ हैं। 4 हरूफ से हमने क्या लफ्ज़ बनाया, स्वा अलिफ सा बे नून बन साबन, स्वाद अलिफ सा यानी स्वाद अलिफ बे रे। अब इसको इकट्ठा इकट्ठा पढ़ें, स्वाद अलिफ सा बे रे बन साबिर। आगे देखें, स्वाद अलिफ हे बे क्या बन जाएगा, स्वाद अलिफ सा हे बे हब साहिब। कितने मज़े से ये अल्फाज बन रहे हैं, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोगों ने भी जब खुद से बनाने हैं तो आप लोग खुद बहुत इंजॉय करेंगे और बहुत मज़ा लेंगे और मज़े से आप और भी ज़्यादा अल्फाज बनाएंगे। ज़ुआत के अल्फाज देखते हैं, ज़ुआत अलिफ मीम नून क्या बन गया, ज़ुआत अलिफ ज़ा मीम नून मन ज़ामिन। ऐसे ही बहुत से दिलचस्प अल्फाज आप खुद से बनाएंगे, मैं आपको दो और बता देती हूँ, बाकी मश्क आपने खुद करनी है। ज़ुआत अलिफ ज़ा हमज़ा और ऐन ज़ाया, स्वाद अलिफ को इकट्ठा लिखें, हमज़ा और एन को इकट्ठा करके लिखते हैं। हमज़ा की आपको पता है वो अलामत, हमज़ा के ऊपर छोटी सी एक अलामत होती है। स्वाद अलिफ ज़ा हमज़ा एन आई ज़ाया, आगे है जी ज़ा रे, स्वाद अलिफ ज़ा रे बे ज़ार, स्वाद अलिफ रे बे ज़ार। आपका काम आज का ये है कि आपने 4 अल्फाज से सीन शीन स्वाद स्वाद, ये तो अल्फाज आपको जो तो हरूफ आपको नज़र आ रही हैं, इनके साथ आप 3 हरूफ और मिलाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हरूफ। सीन के साथ आप 3 हरूफ और मिलाएं तो 4 बन जाएंगे। आपने 4 हरूफ से नए अल्फाज बनाने हैं। जब आप नए अल्फाज बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको नए लफ्ज़ बनाने में। फिर आप उनके मतलब पूछेंगे, किसी से भी बड़े से पूछें, उस्ताद से पूछें, किसी से भी पूछेंगे, और आप उनका मतलब जिसका नहीं होगा इसका मतलब है कि वो लफ्ज़ नहीं है, लेकिन जिसका मतलब होगा तो वो बमानी लफ्ज़ होगा और वो आप अपनी नोटबुक में अपनी कॉपी में लिख लेंगे। हमारा आज का सबक यही है, आपके लिए यही काम है जो मैंने आपको बताया कि आपने अल्फाज बनाने हैं। इंशाल्लाह ताला अगले सबक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।